दिल यूका पे आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। ठीक, हम इस वक्त मौजूद है जनूबी कश्मीर ज़िला अनंतनाग के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में। आप खुद भी देख सकते हो कि आज भूमि पूजन है। आज यहाँ पे छड़ी मुबारक पहुँच चुके हैं, जो श्रीनगर से सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुँच चुकी है। भक्तों की भीड़ लगी हुई है कि आप खुद भी देख सकते हो कि अभी अंदर पूजा हो रही है, जो यहाँ पे भक्तों की ज़बरदस्त भीड़ है। अभी बहुत सारे लोग पीछे से भी आ रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे कितने लोग आज सुबह सवेरे से आ रहे हैं, जिनको पूजा करना है वो यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जगदेश भरद्वाज, जो श्राइन बोर्ड का मेंबर है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो भूमि पूजा है, इसके बारे में किसी जानकारी हम लेंगे। जो पूजन हो रहा है छड़ी का, श्रीनगर से हमारे दमिंदर गिरी साहब आए हैं, हम भी उनके मेंबर हैं, उनके साथ आए हैं यहाँ, और बहुत अच्छा लगा। आज हमारी गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही छड़ी की पूजा होती थी और यात्रा शुरू होती थी, लेकिन गुरु पूर्णिमा आगे पीछे होने की वजह से यात्रा जल्दी शुरू हो गई है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का और यहाँ के लोगों का कि जिनके तावन से हमारी बढ़िया यात्रा हो रही है। और मैं आपको देख रहा था पिछली दफ़ा हमारे बाबा बर्फानी की, वहाँ हमारे यात्रियों पर आफत आ गई, वहाँ से पानी आ गया, बर्फ बादल फटा, तो जिसके को हमारे जो यात्रियों को निकालने के लिए फौज के साथ साथ हमारा यहाँ का कश्मीरी जो था, वो जो लंगर में काम करने वाला या घोड़े वाला था, वो वहाँ जा गया था, वो पड़ गया वहाँ, उनको निकाला और संदेश गया पूरे हिंदुस्तान में। ये यात्रा जो थी, ये सदियों पुरानी यात्री थी, ये शक्सी राज के ज़माने से शुरू हुई यात्रा, कोई नई यात्रा नहीं है। जहाँ का मुसलमान था, जो मलक था, उसको जो हमारे बोल बर्फानी ने जब वहाँ दर्शन दिए थे, वो पुजारी होते थे। उसके बाद फिर हमें पता लगा इन लोगों की वजह, वो गडरिया था, वहाँ बेड़े चराता था, बकरियाँ चराता था, मुसलमान था, उसको जो दर्शन हुए थे, तो हम उसको भी सलूट करते हैं, आज के दिन श्रद्धांजलि देते हैं। और जो शहीद हो गए हैं हमारे वहाँ लोग, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। जहाँ के लोगों को, हमारे जो लोग हैं, जहाँ हमारी यात्रा जो ये पहली बार चल रही है, 370 टूटने की वजह से लोग टूट चुके हैं, उनके खसूसी इख्तियार जो हैं वो छीन गए हैं बेचारों के। तो हम ये सरकार से मांग करेंगे, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरा नाम जगदीश भारद्वाज है, मैं सरकार से, गवर्नर साहब से भी मांग करूँगा कि ये जो है, ये कश्मीरी जो हैं, ये लोग बड़े, इनका ये गुलदस्ता है हमारा कश्मीर में, ये मेहमान नवाजी के लिए लोग जाने जाते हैं, ये सारे बुरे नहीं हैं। ये यात्रा चलती थी तो कश्मीरी फौज तो अब लगी, श्राइन बोर्ड तो अब बना है, पहले यही कश्मीरी लोग जो हैं हमारी यात्रा चलाते थे और हाँ कामयाब करते थे यात्री। लेकिन कुछ लोग बाहर ऐसा पैगाम देते हैं कि कश्मीर को बदनाम करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये कहना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डर के मारे फिर टूरिस्ट नहीं आता है। टूरिस्ट ना आएगा तो हमारा कश्मीरी जहाँ कोई ना तो नौकरियाँ हैं हमें, ना कुछ है, लोग परेशान हैं, 2 साल से लोगों के पास कर्जा है, घोड़े वाला या शिकारा वाला या आम जो जिसने होटल वाला है या एक मूली आदमी जो है, पढ़ाइयों बच्चों की ठप हो गई है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो जो आप जो दिखाते हैं मीडिया वाले बाहर, ये नहीं दिखाना चाहिए, असल दिखाना चाहिए कि किस तरह हमारे कश्मीरियों ने जो जद्दोजहद करके हमारी यात्रा कामयाब कर रहे हैं और स्वागत किया है उन्होंने। कोई इतनी बात नहीं हुई अब तक यात्रियों पर, और आगे भी नहीं होगी इंशाल्लाह, भगवान माता रानी चाहेगी भोलेनाथ। लेकिन इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि ये हम यात्रा करा रहे हैं भाई, करा रहे हैं तो यात्रा होती थी पहले भी, ये तो भगवान यात्रा करा रहे हैं, खुदा करा रहे हैं। यात्रियों के साथ साथ जो यात्री आ रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ जो पीर दस्तगीर साहब जाएँ, दरगाह हजरत बल जाएँ, ऋषि साहब जाएँ, वहाँ नागडंडी जाएँ, जहाँ अशब गाँव में पीर जो हमारे ऋषि हैं वहाँ से वहाँ जाएँ। ये ऐसी यात्रा होनी चाहिए और ये ऐसी यात्रा हो रही है। लेकिन हमारा जो, मैं अपने ये कहूँगा कश्मीरी भाइयों और कश्मीरी सियासतदान, जिस तरह फारूक अब्दुल्ला साहब के ज़माने में भी ये यात्रा चलती थी, शेख साहब के ज़माने में भी यात्रा चलती थी, तो ये यात्रा कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी यात्रा है और ये पुरानी यात्रा चल रही थी। आज तक कश्मीरी ने इस यात्रा का विरोध नहीं किया, वो यात्रा के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस यात्रा को अगर आखिर तक पहुंचाना है तो जहां के लोगों को अपने साथ रखना होगा। हम ये कहेंगे कि ये लोग हम मार देंगे यात्रियों को, ऐसे करेंगे, क्या करोगे आप यात्रियों को? यात्री खुले जाने दो यात्रियों को, ताकि जो खरीद फरोख्त करें दुकानों से कुछ लें, आप यात्रियों को ऐसे ढक कर लाओगे तो ये ठीक नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, जम्मू से रहता हूँ, लेकिन ये यात्रा आप ये करोगे कि यात्रा को बंद करके इस लोगों को आप रास करो, कोई एम्बुलेंस में जाता है, कोई बीमार है तो यात्रा आ रही है जी, 2-2 घंटे आप बंद करते हो, ये गवर्नर साहब को मैं कहूँगा कि मीटिंग में कि ये नहीं होना चाहिए, कोई बीमार है, क्योंकि यात्रा चल, ये यात्रा है या कोई ये आप हुर्रियत के लीडरों को ले रहे हैं बाहर? इसलिए मैं ये कहूँगा सरकार से कि यात्रा को खुली चलना दीजिए। और यात्रा चली है जहाँ के लोगों को, मैं खासकर अनंतनाग के लोगों को, वहाँ गांधरबल के लोगों के, पूरे कश्मीर के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यात्रा का खुलकर स्वागत किया है। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।